कहाँ से हैं आप? कौन हैं आप? मीडिया से हैं आप? आप मीडिया से नहीं है ना? यहाँ कैसे, किसने एंट्री दे दी आपको? सूरज कुंड में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में हरियाणा टूरिज्म विभाग और पुलिस की लापरवाही उस वक्त सामने आई जब रात के समय मेले में हरियाणवी नाइट का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच पर कलाकारों को देखने के लिए आम लोग मीडिया की गैलरी में घुस गए, जिससे पत्रकारों को अपना काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हद तो तब हो गई जब पुलिसकर्मी भी मीडिया लॉबी में घुस आए आम लोगों को बाहर करने की जगह खुद भी वहीं खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। इस मामले को लेकर जब पुलिसकर्मी को टोका गया तो पुलिसकर्मी अपना फर्ज निभाने की जगह पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं थी जब मीडिया के लॉबी में बाहर पब्लिक आ जाती है। क्या वीआईपी में पब्लिक गई? क्या वीआईपी में एरिया में पब्लिक जाती तब तो मानते क्या है कि क्या पुलिस अगर उनको रोक नहीं सकती, पुलिस पब्लिक को नहीं रोक सकती तो पब्लिक का क्या फायदा, उसका पुलिस का क्या फायदा? तो मीडिया गैलरी में कौन आपको ज़्यादा दिखाई दिए? मीडिया गैलरी में कौन दिखाई दिया आपको मीडिया के अलावा? ज़्यादातर जो बाहर के आदमी थे जो मीडिया से अलग थे, पुलिसकर्मी भी ज़्यादा थे, पुलिसकर्मी भी थे बाहर के। और व्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यवस्था तो नाम मात्र की भी नहीं है, और जो बाहर के लोग हैं वो मीडिया के जो जगह निर्धारित की गई है उस जगह के अंदर बाहर के लोग और पुलिस के स्टाफ के लोग ज़्यादा भरे पड़े हैं, और मीडिया वालों के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है, और ये एक बड़ा निंदनीय वो है। मीडिया के साथ हो रही बदसलूकी को लेकर मेले की चौपाल में बैठे जिला उपायुक्त से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद मीडिया गैलरी से पुलिस के आला अधिकारी ना तो बेकाबू भीड़ को हटा पाए और ना ही ड्यूटी के दौरान मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे पुलिसकर्मियों को ही रोक पाए, जिसके चलते पत्रकार पुलिस प्रशासन से नाराज दिखाई दिए। इतनी बदहाली, इतनी बदइंतजामी, आज हालत ये रही कि मीडिया कर्मी और लोक संपर्क विभाग के जितने अधिक डीपीआर ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बाहर, और पुलिस वालों का पूरा कब्जा था आज मीडिया उसमें गैलरी में, और अंदर लोग शराब पी के भी पहुंचे हुए थे। आखिरकार जो गेट से एंट्री कैसे मिली उन लोगों को जो शराब पी के, हमें अंदर पता चला शराब पी रखी है उन्होंने और वो लोग अंदर थे। मीडिया की आड़ में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था कि कितनी बड़ी चूक मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो मीडिया के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है, मीडिया काम करने के लिए आती है, कहाँ से वो कैमरा ऑपरेट करे जब उनके सामने पुलिस वाले खड़े हो गए, कहाँ से अपने फोटो खींचे, कहाँ से वीडियो बनाए? मीडिया से ज्यादा पुलिसकर्मी वीडियो बनाते, पुलिस कर्मियों का कब्जा था मीडिया गैलरी में पूरा, और पुलिस अधिकारी खड़े देख रहे हैं तमाशा। सारे अधिकारी डीसी से लेकर डीपीआर ऑफिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, वो बाहर हैं, वो डीसी से भी अवगत कराया गया था, सबको अवगत कराया गया, लेकिन नतीजा सुन रहा और परिणाम स्वरूप क्या है कि आज हमें बोलने को मजबूर होना पड़ा है कि मीडिया के साथ ये दुर्व्यवहार कहेंगे इसको हम, व्यवहार जो अच्छा व्यवहार नहीं रहा। बता दें कि हरियाणवी नाइट में प्रांजल दहिया के परफॉर्मेंस के दौरान मीडिया गैलरी में घुसा हर पुलिसकर्मी मीडिया कर्मियों से ज्यादा बढ़ चढ़कर प्रांजल दहिया की परफॉर्मेंस को अपने कैमरे में कैद करने की होड़ में लगे दिखाई दे रहे थे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि हरियाणा के पर्यटन मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले की ख्याति दिलाने वाले पत्रकार को इस मेले में हो रही परेशानियों को लेकर पुलिस और हरियाणा टूरिज्म विभाग के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।